जय जगन्नाथ। चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर शालू शर्मा। सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा विंटर सीजन है और तिल का बहुत महत्व है इसमें। तिलों का क्या महत्व है, पहले तो ये समझिए कि तिल का महत्व क्या है। और विंटर में सबसे ज्यादा तिल यूज होता है कुछ खाने में, कुछ दान करने में, कुछ भगवान को चढ़ाया जाने में, और खाने में भी अलग अलग तरह के तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल कुट्टा प्रसाद बनाया जाता है, तिल की गच्चक बनाई जाती है, तिल की चटनी बनाई जाती है। तो तिल किसी ना किसी फॉर्म में हमें इनटेक में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तिल का तासीर बहुत गर्म होता है और सर्दियों में तिल अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन अगर आपको नरिशिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्लो आएगा, लेकिन आपके नरिश करने में तिल हेल्प करता है। तिल है क्या? पुराणों की अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण में एक कथा आती है जिसमें मधु नाम का राक्षस था और उसका भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ। अब राक्षस और भगवान का जब युद्ध हुआ तो यह युद्ध बहुत जोश में चला और भगवान विष्णु को पसीना आने लगा। इस पसीने की बूंदें जो टपकती रही, उन्होंने तिल का रूप धारण किया। अंत में भगवान विष्णु ये युद्ध जीत गए। सभी देवताओं ने आकर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और अपने आप को भगवान विष्णु के अधीन करते हुए कहा कि आप हमारी रक्षा करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, हम आपके अधीन ही रहेंगे। जो ये पसीने की बूंदें तिल बनकर गिरी थी, इसको जब समेटा गया, उठाया गया, तो ये कहा था कि तीनों लोकों में जब भी संकट आएगा तो तिल किसी ना किसी तरह से, तिल का उपाय करके, तिल का उपयोग करके हम लोग इसको एज अ रेमेडी, एज अ प्रोटेक्शन हम लोग इसको यूज करेंगे। क्योंकि मत्स्य पुराण के अनुसार मधु राक्षस को मारते हुए जो पसीने की बूंदे गिरी विष्णु भगवान के शरीर से, वही तिल बनी। क्योंकि मधु राक्षस को मारते हुए ये पसीना निकला और तिल बना, तो ये एज अ प्रोटेक्शन टूल यूज हो जाएगा, तीनों लोगों की रक्षा हो जाएगी और इस तिल की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा जनवरी मंथ में लोहड़ी में तिल का विशेष महत्व है। तिल से बनी हुई गच्चक, अग्नि को कुछ भी हम समर्पित करते हैं तो हम तिल से बनी हुई चीजें समर्पित करते हैं। और अगर तिल के लड्डू भी सर्दियों में खाए जाते हैं, लोहड़ी से नेक्स्ट डे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में तिल डोनेशन का, काले तिल का, क्योंकि सूर्य उस दिन बलि होते हैं, बलवान होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, शनि के उपाय के लिए काले तिल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये मकर संक्रांति का सबसे अच्छा उपाय है, काले तिल की चीजों का दान करना। और अगर आप रेवड़ी, गच्चक, तिल की बनी हुई या तिल के लड्डू दान करते हैं किसी को, तो आपके लिए ये आपके ऊपर आए हुए संकट कम हो जाते हैं। देखिए, संकट कम होना आपके कर्मों से है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ तिल दान करने से ही ऐसा नहीं होगा, बाकी सारी चीजें भी चेक करनी पड़ती हैं। और लेकिन ये उपाय हमें जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति का सबसे अच्छा उपाय है सूर्य भगवान को अर्घ देना, अर्ध्य देना, जल चढ़ाना, सूर्य का मंत्र बोलिए और 16 नाम सूर्य के लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो एक ही मंत्र से बोलिए, ओम सूर्याय नमः ही ठीक है, भास्कराय नमः, कुछ भी आप मंत्र बोल सकते हैं। उसमें तिल जरूर डालिए, गुड़हल का फूल डालिए और तिल डाल के अर्घ्य दीजिए। मकर संक्रांति का विशेष उपाय, तिल का बहुत महत्व है इसीलिए तिल। अब तिल की बात करें तो माघ महीने में ही आपकी षट तिल एकादशी आती है। एकादशी आपको पता है, एकादशी वैसे तो साइंटिफिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट डे है, लेकिन विष्णु भगवान को समर्पित ये एकादशियां हैं। एक साल में 24 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व, अपनी अपनी कहानी और अपना
अपना फल है। कुछ एकादशी निर्जल रहकर होती है, कुछ एकादशी व्रत रहकर होती है, कुछ में आंवला खाया जाता है, इसमें तिल का उपयोग किया जाता है। अंत में अगर मैं इसकी बात करूं तो तिल चतुर्दशी, सकट चौथ जिसको हम बोलते हैं, उसमें तिल कुट्टा प्रसाद बनाया जाता है और भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। उस दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, जैसे मकर संक्रांति में हमने सूर्य को अर्घ दिया और तिल के दाने उसमें डाले, इस तरह सकट चौथ को, इस साल सकट चौथ 29 तारीख की है, 29 जनवरी की, तो आप क्या करेंगे, चंद्रमा को जब अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे, उसमें तिल अवश्य चढ़ाएंगे। तिल का दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। के उपाय इस तरह से छोटे 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 उपाय करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। जुड़े रहिए, अगला वीडियो आपको बहुत अच्छा उपाय का आएगा, सकट चौथ के उपाय का, तो जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठंड से बच के रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह की जानकारी, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू बनाकर ज़रूर भेजना चाहूँगी। खुश रहिए, जय जगन्नाथ।